आज दिल्ली में सीएम केजरीवाल और राहुल गांधी ने रैलियां की, लेकिन किसी भी रैली में दोनों एक साथ नजर नहीं आए। जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस INDIA गठबंधन के बैनर तले मिलकर ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली में होते हुए केजरीवाल और राहुल गांधी ने आपस में दूरी बनाकर रखी। कुछ ही दिन पहले केजरीवाल ने तो कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए दिल्ली में रोड शो भी किया था, तो फिर आज तो राहुल और केजरीवाल दोनों दिल्ली में ही थे, फिर भी अलग अलग रैलियां की। क्या ये मारीवाल मारपीट केस का साइड इफेक्ट है? वैसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिल्ली में रैली की है। दिल्ली में यह पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली थी। मारीवाल मारपीट केस पर उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर निशाना जरूर साधा। ये लोग दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और हजारों करोड़ के घोटाले में जेल के चक्कर लगा रहे हैं। वो कहते थे शराब घोटाले के पर्दाफाश का क्रेडिट कांग्रेस को जाता है, फिर शाही परिवार के कहने पर भ्रष्टाचारी को ही गले लगा लिया। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। कांग्रेस की चार पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज ये दिल्ली में चार सीट तक लड़ने की उनकी ताकत नहीं रही है। और आइए बढ़ते थोड़ा सा आगे। Z News.